हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर अरवी के पराठे। जैसे कि नवरात्रि शुरू हैं या व्रत, किसी भी व्रत में हम खाते हैं यहाँ पर आलू और कुट्टू के पराठे, जो कि मोस्ट ऑफ खाए जाते हैं घरों में। लेकिन आज हम अवॉइड कर रहे हैं आलू और हम बना रहे हैं यहाँ पर अरवी से कुट्टू के पराठे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रंची भी हैं। जो लोग आलू नहीं खाते हैं स्पेशली, उनके लिए हैं और जो कि आराम से बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं एक न्यू रेसिपी। अरवी अच्छे से उबल गई हैं और मैंने इनको छील लिया है। अगर ज़्यादा उबल गई हैं तो आप इनको स्पून से मैश कर सकते हैं हाथ के हेल्प से, और थोड़ी टाइट है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो या आप जैसे अच्छे से कंफर्ट करें। तो हम इसको डाल देते हैं और हाथों से मैश कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट होगी। मैं इसको थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने अंदाजे से बना लीजिए, ज़्यादा कम जिस तरीके से आपको अच्छे लगें। तो मैंने अभी ये क्या करा है, जो अरवी है उनको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट ये हो चुकी हैं, तो मैं इनको हाथ की हेल्प से मैश कर ले रही हूँ इस तरीके से। एक कप हमने ले लिया है यहाँ पे अरवी, जिसको हमने हाथ की हेल्प से मैश कर दिया। आप चाहें तो कद्दूकस से भी इसको मैश कर सकते हैं। अब ले ले रहे हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कुट्टू का आटा, और ये हमें मिक्स करना है इसके अंदर। तो ये हमने ले लिया है थोड़ा सा, 1/4 कप हमने ले लिया है यहाँ पर कुट्टू का आटा, और क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें जो समा के चावल होते हैं, उसको हमने पीस लिया है, और उसका आटा ये हमने यूज़ कर रहे हैं। लगभग 2 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं ताकि क्रिस्पी बने। तो 2 चम्मच हमने डाला है यहाँ पर ये आटा चावल का। आप चाहें तो खाली कुट्टू के आटे से भी बना सकते हैं। और अब ले ले रहे हैं हम काफ़ी सारी, हमने धनिया पत्ती ले ली है, और अब लेंगे यहाँ पे हम अदरक और हरी मिर्ची पेस्ट ले सकते हैं या फिर कद्दूकस करके ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे या जो आपको अच्छा लगे। अब ले लेते हैं हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून स्मॉल वाली जो काली मिर्ची है पाउडर, उसका पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, और साथ में हम ले लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर रहे हैं। ये हमने सेंधा नमक यानी व्रत के लिए नमक लिया है, और ये पराठे हैं स्पेशल जो आलू नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए ले लिया है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और एक डो तैयार कर लेते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी ये जो आटा है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो राइस फ्लोर है यानी चावल का आटा, वो अच्छे से और ले लिया है 2 चम्मच। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो आटा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब हमें ये डो तैयार करना है सॉफ्ट सा, जो पराठे अच्छे से बन जाए, तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा आटा भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी मिला सकते हैं। तो ये मेरा जो आटा है, मैंने थोड़ा सा आटा इसमें डाल लिया है राइस का, तो ये परफेक्ट हो गया है, और ये हमारा जो डो है वो अच्छे से बनने लगा है। तो ये मैंने डो तैयार कर लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, तवा रख लेते हैं और अपने पराठे या पूरी बनाना तैयार कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, आटा ले लेते हैं थोड़ा सा, और जितने भी बड़े हमें बनाने हैं उतना बड़ा हम साइज़ ले लेते हैं। सूखा आटा लेंगे हम कुट्टू का या राइस का, और उसमें लपेटने के बाद हम इसके इस तरीके से बहुत ही आराम से बन जाते हैं इसके पराठे, और अच्छे भी लगते हैं। और स्पेशल उन लोगों के लिए हैं जो कि आलू अवॉइड करते हैं, आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको बेल लेते हैं। अच्छे से बेल गया है, और डाल लेते हैं तवे पर, एक तरफ से सिकने देते हैं। सिक गया है, पलट लेते हैं और घी या ऑयल की हेल्प से इसको सेक लेंगे, अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक। बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी हमारे अरवी के पराठे बनकर तैयार होने वाले हैं। तो ये पराठा हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही पतला और कुरकुरा है, और ऐसे ही हम सारे ही जो डो है उससे पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे अरवी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हैं, जिसे हम चटनी या फिर कट के साथ सर्व कर रहे हैं। आप सब्जी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो इस नवरात्रि ज़रूर बनाकर खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।